हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एट रेस्क्यू सेंटर ऑफ लखनऊ। बिल्कुल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये क्या है, मैंने जैसे कल अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि आप डॉग के जख्म कैसे सुखा सकते हो, उसके लिए आप टेबलेट दे सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आप उसको पाउडर फॉर्म के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सा पाउडर है जो आप अपने डॉग के ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा डॉग को फंगस हो जाता है, इचिंग एलर्जी, ठीक है, और जगह जगह पे आप उसको देखे शरीर पे जख्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जख्म आप उसको हीलिंग के लिए टैबलेट दे रहे हो, ठीक है। टैबलेट आप, मैं आपको बताऊं, अमोक्सी टैबलेट जो होती है 375 mg आती है और 625 mg आती है, वो आप अपने डॉग को मॉर्निंग इवनिंग के अंदर एक एक दे सकते हो। पप्पी है तो 375 mg देनी है, अगर आपके पास अडल्ट डॉग है यानी कि बड़ा डॉग है तो उसके लिए आप उसको 625 mg मॉर्निंग इवनिंग यानी कि सुबह शाम देनी है एक एक टैबलेट। अगर आपके डॉग को खाली जख्म हो रहे हैं तो सिर्फ आपने उसको ऊपर पाउडर अप्लाई करना, लेकिन अगर आपके डॉग को उसके साथ साथ जख्म के साथ पस हो रहा है तो ये टैबलेट आपने कंटिन्यू रखनी है। और जो दूध होता है जो डॉग का, जैसे कि जो जिन लोगों को पता है कि दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जब डॉग को पस पड़ जाता है, मवाद आने शुरू हो जाती है, ठीक है, तो जख्म के केस में आप उसको दूध उसका बंद करना पड़ेगा। आप उसको एग खिला सकते हो, पनीर खिला सकते हो, ये अंडे और पनीर आप उसको दे सकते हो, ठीक है, दही खिला सकते हो। उसके लिए आपको क्या है, ये जो पाउडर आता है ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये नागा सेंट का पाउडर होता है। अब शायद क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ये नागा सेंट पाउडर है। लेकिन नागा सेंट के अलावा क्या है कि आप उसको जो नियोमाइसिन पाउडर होता है, ठीक है, सेम साल्ट होता है नियोमाइसिन के अंदर भी, आप उसको नियोमाइसिन पाउडर भी उसे अप्लाई कर सकते हो। ये लगाने के बाद आपके इसके अंदर क्या है, आपने अपने डॉग को नहलाना नहीं है, उसको बिल्कुल ड्राई रखना है जब तक कि ये मस है जो मवाद है ये खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो ये पाउडर आप उसको 3-4 दिन अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अपने डॉग को क्या है काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर ने जो बताया है इसका काफी अच्छा रिव्यू आया, हमें इसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो का मेन मोटिव यही था कि डस्टिंग पाउडर है, किसी भी आप मेडिकल शॉप पे जाइए, स्टोर पे जाइए, वहां भी इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। या तो आप नागा सेंट बोल सकते हो या फिर क्लोसिप हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल, कोई भी एंटीबैक्टीरियल या डस्टिंग पाउडर क्या होता है, जो डॉग के मस, जो डॉग के जख्म हो रहे हैं उनके अंदर पस भरा हुआ है, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही सोल्यूशन है। आप उसको एंटीबायोटिक की टैबलेट शुरू कीजिए, टैबलेट के अंदर आप अमोक्सी, सिप्राफ्लोक्सासिन, ठीक है, ये टैबलेट आप अपने डॉग को सुबह शाम दीजिए। उसके साथ साथ अगर ये आप पाउडर देंगे तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आपने देखने को मिलेगा। ऐसे मोर टॉपिक अपडेट के लिए ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते रहेंगे, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।